Hello students, welcome to Dream Classes. Myself Babita Sharma and I am your biology teacher. Students, last lecture में हमने discuss किया था the reproduction in organisms और उसका types sexual and asexual reproduction. लेकिन आज हम क्या करेंगे sexual reproductions को detail में कि कौन कौन से events इसमें include होते हैं. कोई भी organism जब अपनी life cycle में reproduce करता है, आगे further life proceed करता है, कोई new offspring बनाता है, तो वो कौन कौन सी stages को pass करता है. ठीक है students, तो आज हम उसके events के बारे में discuss करेंगे. और उसको discuss करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे basic terms, कौन कौन सी important terms इसमें use होती है, उन terms को हम study करेंगे. Firstly student, homothallic and monoecious. Homothallic and monoecious. Homo means, yes, homo means same. Those organisms which consist both male and female gamete in same parent. एक ही parents के अंदर male gamete भी होगा और female gamete भी होगा. Clear? उनको हम क्या बोलते हैं? Homothallic. और उन plants को, plants के case में, जिस plant में दोनों organs present हो, male reproductive organ भी as well as female reproductive organ भी present हो, तो उसको हम बोलते हैं monoecious. क्या बोलते हैं बच्चों? Monoecious. Also called as bisexual. हम इसको क्या भी बोलते हैं? Bisexual. अगर जो हम plants के केस में बात करें तो कुछ plants है जो bisexual होते हैं. कौन कौन से plants है bisexual? Yes. Cucurbits, coconut. These are the example of bisexual plants. ये bisexual plants होते हैं. अगर जो flowers की बात करें, China rose, ये भी क्या होता है जिसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है. सेकंड आता है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आ जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस, लोअर ऑर्गेनिजम्स, वो सब इंक्लूड होते हैं जिसमें एक ही एनिमल्स के अंदर दोनों पार्ट होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा. सेकेंड आते स्टूडेंट्स हेट्रोथैलिक. वट इज हेट्रोथैलिक? यस, आपको नाम से ही पता चल रहा है हेटो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग. यस, डिफरेंट. इसमें क्या होता है? दोनों मेल रिप्रोडक्टिव भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होंगे, अलग अलग प्लांट्स में होंगे. प्लांट्स की बात करें तो डाइशियस बोलेंगे, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हेट्रोथैलिक बोलेंगे. क्लियर? हेट्रोथैलिक में आ जाते हैं जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स. आपको पता होगा मेल में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और फीमेल में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. सिमिलरली प्लांट्स की बात करें तो हम पपाया प्लांट, मस्टर्ड. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोथैलिक. और डेट पाम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइशियस प्लांट्स और हेट्रोथैलिक. अब आता है हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन होगा एज वेल एज स्टूडेंट्स उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा. ठीक है, तो उनको बोलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट. क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, अर्थवर्म की बात करें हम, टेपवर्म और स्पॉन्जीज, लीचेस, ये एग्जाम्पल्स है जिसमें दोनों मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड होते हैं. ये स्टूडेंट्स 1 मिनट, ये जो मस्टर्ड है ये आपका बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल है. ये जो होता है बायसेक्सुअल का, इसमें हम पपाया, डेट पाम इसकी बात कर सकते हैं. और मस्टर्ड जो होता है बायसेक्सुअल होता है, इसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है. अब आता है हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. विच काइंड ऑफ इवेंट्स आर इंक्लूड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, बेसिक तीन टाइप के, तीन प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन. क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन. सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. किसकी बात करी हमने? यस, इवेंट्स जो होंगे, इवेंट्स इन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? थ्री इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड अगर जो हम बात करें फर्टिलाइजेशन, और थर्ड आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म्स में जो सभी ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म सभी की बात करें तो सभी में जो प्रोसेसेस है रिप्रोडक्शन की वो सेम होती है। किसके केस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सभी इसी फेज से पास होके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है? प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या चेंजेस आए, क्या फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्रिएट हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, वो आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगी। फर्टिलाइजेशन में हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें क्या बनेंगे? फ्यूजन हो जाएगी गैमेट्स की, जो गैमेट्स इसमें बने थे उनके फ्यूजन हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो जाती है गैमेट की, और वो फ्यूजन होने से रिजल्ट क्या आएगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट बनेगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं स्टूडेंट्स हमारे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद वो कैसे एम्ब्रियो में ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो सब हमारे आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन अगेन डिवाइडेड इंटू टू, वन इज गैमेटोजेनेसिस। हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ये दोबारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस और एक होता है हमारा गैमेट ट्रांसफर। यस, गैमेट ट्रांसफर आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना। किसकी फॉर्मेशन होना? गैमेट्स की, मतलब गैमेट्स का बनना, मेल गैमेट्स का बनना, फीमेल गैमेट्स का बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको हम? गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर, कि जो गैमेट्स बने हैं उनका ट्रांसफर हो जाना मेल से फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, फीमेल गैमेट है उसके साथ ट्रांसफर हो जाना, देन फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होगी। इसको डिस्कस करने से पहले हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। यस स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, दीज आर द टू प्रोसेस, ये दो प्रोसेस है जो प्री फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। वो मेल गैमेट्स भी हो सकता है और हमारा फीमेल गैमेट्स भी हो सकता है। अब गैमेट्स जो बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के बनते हैं? एक होता है आइसोगैमेट, वन इज आइसोगैमेट बनता है, और दूसरा कैसे बनते हैं? हेटरोगैमेट, हेटेरोगैमेट। इस आइसोगैमेट्स को हम क्या भी बोलते हैं? होमोगैमेट। क्या भी बोलते हैं? होमोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलर होते हैं, जिनका जो आउटर स्ट्रक्चर है गैमेट्स जो बनाते हैं ना, वो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मेल का भी और फीमेल का भी। मतलब इसमें कोई भी मेल का अगर जो हम बात करें और फीमेल के अगर जो गैमेट्स की हम बात करें, तो बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। इसमें क्या होते हैं? दोनों जो है आउटर स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मतलब आप आइसोगैमेट्स जो होंगे उनमें आप बता नहीं सकते कि ये मेल का होगा या फीमेल का, क्योंकि दोनों दिखने में कैसे होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे लगते हैं, ठीक है, इसलिए आप उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, उनको अलग से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रो आपको नेम, आइसो का मतलब क्या था? सेम, मतलब सेम होते हैं गैमेट, मेल भी गैमेट सेम होगा और फीमेल भी सेम होगा। ये किस में मिलते हैं हमें? कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में,
इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, बात करें हम कुछ फंगस हैं, एल्गी होती है, उनके केस में जो हमें गैमेट्स दिखते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, मेल का भी सेम होगा और फीमेल का भी सेम होता है स्ट्रक्चर। हेट्रो, नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंट, जिसमें मेल गैमेट भी अलग होता है फीमेल गैमेट्स भी अलग होता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट, वो बाहर से दिखने में दोनों ही अलग अलग होते हैं, मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। हम आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, मोर्फोलॉजिकली उसका बाहर का बाहर कैसा दिखता है वो आपको इसमें से पहचान नहीं होगी कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, लेकिन इसमें आप पहचान सकते हो मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। ठीक है, इसमें जो मेल होता है, मेल गैमेट जो होता है इसमें, वो मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट शो करता है। ठीक है, फीमेल्स तक पहुंचने के लिए उसको मूवमेंट शो करनी पड़ती है, इसलिए उसको बोलते हैं मोटाइल नेचर है। और जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है। कैसा होता है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब इट डू नॉट शो मूवमेंट, ये किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं करता। मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट कैसा होता है? स्टेशनरी, कोई मूवमेंट शो नहीं करता। इसमें एग्जाम्पल्स की अगर जो हम बात करें, वॉल्वोक्स एंड ह्यूमन बींग्स, आपको पता है मेल्स में मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जो अलग होता है स्ट्रक्चर में, स्मॉल होता है साइज में, और जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है साइज में। मेल गैमेट ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेरेटिव टू फीमेल गैमेट्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बना दो टाइप, दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट। आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या भी है? होमोगैमेट। क्लियर स्टूडेंट? इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं दिखने में। कहाँ मिलते हैं हमें? लोअर ऑर्गेनिजम्स में, फंगस में और एल्गी में। और हेट्रोगैमेट जो होता है वो अलग अलग होते हैं दिखने में, जैसे जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, जो फीमेल होता है वो नॉन मोटाइल, मतलब वो मूवमेंट शो नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आता है इसमें यह स्ट्रक्चर कैसा होता है आइसोगैमेट का, जो आइसोगैमेट्स बनना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दिखने में। अगर जो हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, आइसो मतलब दोनों सेम होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। यस, ये क्या होता है? फ्लैजेला, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये होता है न्यूक्लियस सेल का, ठीक है, ये भी न्यूक्लियस होता है, ये भी क्या होता है? फ्लैजेला। तो दोनों आप बता सकते हो कौन सा अलग है? नहीं बता सकते ना, तो किसके एग्जाम्पल होते हैं? दैट आर आइसोगैमेट्स। क्या होते हैं ये? आइसोगैमेट, जो बिल्कुल ही मोर्फोलॉजिकली दिखने में सेम होते हैं, आप इनको डिवाइड भी नहीं कर सकते। सेकंड होता है हमारा हेट्रोगैमेट्स जो होता है। हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है? ये होता है मेल गैमेट। क्या होता है ये? मेल गैमेट, ये इसका न्यूक्लियस, और ये क्या होता है? फ्लैजेला, जो क्या शो करता है? मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है? मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो फीमेल गैमेट होता है हेट्रोगैमेट्स के केस में वो कैसा होता है? यस, ये क्या होता है? अंदर ओवम या एग जो बनता है। यस, दीज आर द फीमेल गैमेट इन केस ऑफ हेट्रोगैमेट, और ये क्या होता है? मेल गैमेट। दोनों अलग है दिखने में, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, पहचान कर सकते हो कि ये मेल है और ये क्या है? फीमेल गैमेट है, तो इसमें आप पहचान सकते हो। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा आपने? गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, फॉर्मेशन, और ये मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमेट्स की। मेल जो होता है मोटाइल होता है, फीमेल कैसे होते हैं? स्टेशनरी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे कुछ फंगस के केस में, दोनों गैमेट्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, दोनों मोटाइल होते हैं, मीन्स दोनों जो है अपनी मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस, किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन में, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। क्या आता है?
गैमेट्स ट्रांसफर। अब जो गैमेट्स बन गए हैं उनका ट्रांसफर भी तो होना है, जो गैमेट्स बन गया वो ट्रांसफर भी तो होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स का ट्रांसफर होना किसकी तरफ, टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट है वो फीमेल की तरफ जाएगा जिससे फ्यूजन होगी, आगे जो हमारा प्रोसीजर है वो प्रोसीड करेगा, आगे हमारे स्टेप्स होंगे। अब आता है गैमेट ट्रांसफर में क्या आता है, आपको पता है दो टाइप के गैमेट होते हैं, वन इज हैप्लोइड गैमेट्स जो होते हैं, सॉरी हमेशा एक ही टाइप के होते हैं, गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड ही होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, गैमेट्स हैप्लोइड ही होते हैं, जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो कैसी हो सकती है, वो हैप्लोइड भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, डिप्लोइड भी हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट, सिंगल एंड भी हो सकता है और वो डबल एंड भी हो सकता है। हैप्लोइड की बॉडी गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड होते हैं, मतलब सिंगल एंड होता है, ऑल गैमेट्स आर हैप्लोइड। सभी गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। लेकिन जो पेरेंट बॉडी है जो गैमेट्स दे रही है वो हैप्लोइड भी हो सकती है और कौन सी भी हो सकती है, डिप्लोइड भी, वो हैप्लोइड भी हो सकती है और डिप्लोइड भी हो सकती है। अगर जो हम बात करें जब हैप्लोइड पेरेंट्स से हैप्लोइड गैमेट बने, क्लियर स्टूडेंट्स, जब हैप्लोइड पेरेंट्स से हैप्लोइड गैमेट्स बनते हैं, हैप्लोइड पेरेंट्स से जब हैप्लोइड गैमेट्स बने तो वो कौन से डिवीजन से बनते हैं, माइटोटिक, मतलब हैप्लोइड जो पेरेंट्स है, जो सिंगल एंड वाले पेरेंट्स होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है जिससे क्या बनते हैं, हैप्लोइड गैमेट्स। गैमेट्स तो हैप्लोइड ही बनेंगे लेकिन हैप्लोइड पेरेंट्स में होती है माइटोटिक डिवीजन, और जो डिप्लोइड पेरेंट्स होते हैं, डिप्लोइड मीन्स जिन पे डबल सेल्स, डिप्लोइड जो पेरेंट्स होते हैं मीन्स टू एंड, उनमें क्या होती है मियोसिस, और वो भी क्या देते हैं हमें, हैप्लोइड गैमेट्स। गैमेट ट्रांसफर सेकेंड स्टेप ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। हैप्लोइड जितने भी गैमेट्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। आपने अपने 11th में भी पढ़ा होगा, बट क्या अंतर होता है हैप्लोइड और डिप्लोइड में, हैप्लोइड सिंगल एंड, सभी गैमेट्स हैप्लोइड होंगे और जो पेरेंट्स होते हैं वो हैप्लोइड भी हो सकता है, कुछ जैसे एनिमल्स के केस में हैप्लोइड होते हैं और डिप्लोइड भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में कैसे होते हैं, ह्यूमन पर्सन डिप्लोइड होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी क्या होगी, हैप्लोइड भी हो सकती है डिप्लोइड भी हो सकती है, लेकिन वो जो गैमेट्स बनाती है वो दोनों कैसे होते हैं, हैप्लोइड गैमेट्स। हैप्लोइड पेरेंट से जब हैप्लोइड गैमेट बने तो कौन से डिवीजन से बने, माइटोटिक डिवीजन से, और जो डिप्लोइड पेरेंट से गैमेट्स बने वो कौन से डिवीजन से बने, मियोसिस, विच प्रोसेस, मियोसिस। अब इसमें क्या आता है, ये जो सेल्स है कि जिनमें मियोसिस हो रही है उन सेल्स को हम क्या भी बोलते हैं, मियोसाइट्स सेल्स। इन सेल्स को हम क्या भी बोलते हैं, मियोसाइट सेल्स, और गैमेट मदर सेल्स भी हम इनको बोलते हैं, गैमेट मदर सेल्स, क्योंकि गैमेट्स बनाने में हेल्प करती है गैमेट मदर सेल्स। तो इसमें हम जो डिप्लोइड पेरेंट्स में सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होती है उन सेल्स को मियोसाइट सेल्स बोलते हैं, और इन सब इनका कॉमन नेम क्या भी होता है, गैमेट्स मदर सेल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या क्या प्रोसेसेस होती है फर्टिलाइजेशन से, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा और सेकंड क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर। अब हम आते हैं सेकंड इवेंट पे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या है वो, फर्टिलाइजेशन yes, अगर जो हम फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करें कि प्लांट्स में कैसे होता है गैमेट ट्रांसफर, प्लांट्स में जो गैमेट ट्रांसफर होता है कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है, इन एनिमल्स में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं आइदर मेल गैमेट और आइदर फीमेल गैमेट,
ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना जो गैमेट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की अगर जो बात करें हम, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर जो हम बात करें, तो वो क्या करते हैं, अपना जो गैमेट्स हैं कहाँ रिलीज कर देते हैं, मीडियम में, इनको एक मीडियम चाहिए होता है जहां ये अपना गैमेट रिलीज कर देते हैं, वो वॉटर होता है। क्या होता है वो मीडियम? वॉटर, क्योंकि एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने जो गैमेट्स है वो कहाँ दे देंगे, पानी में रिलीज कर देते हैं, मेल भी पानी में रिलीज कर देगा और फीमेल भी, और फिर क्या हो जाती है, उनकी फ्यूजन हो जाती है। हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके केस में जो होता है वो इंटरनल होती है, मतलब मेल गैमेट जो है वो इंटरनली फीमेल गैमेट्स के प्रोड्यूस करता है, फ्यूजन होती है। अगर जो प्लांट्स की बात करें हम, एक एग्जांपल कर रहे हैं हम इधर चाइना रोज का, तो इसमें क्या होता है पोलिनेशन, क्या होता है इसमें पोलिनेशन, क्या होता है पोलिनेशन प्रोसेस, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इधर देखो ये चाइना रोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने। आपने पता है फ्लावर को ही हमने क्यों लिया, फूल को ही क्यों लेते हैं हम, उसका रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव स्टडी के लिए फूल को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट में फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, वही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का वो क्या है, फूल ही होता है, ठीक है। तो फूल, अब ये फ्लावर है चाइना रोज का, हमने चाइना रोज को ये क्यों लिया है चाइना रोज को, क्योंकि इसमें दोनों मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर होता है और इसमें दोनों बाय मतलब टू, दोनों सेक्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट होंगे। अब ये देखो स्ट्रक्चर है चाइना रोज का, ये जो होते हैं अगर जो हम नीचे से शुरू करें इसके, ये ग्रीन कलर के लीव्स जो होते हैं नीचे से, वो सेपल्स होते हैं, कैसे होते हैं, सेपल्स। और ये जो पिंक कलर के आउटर जो बाहर की तरफ फूल बने होते हैं, पत्तियां होती है उसकी, उनको बोलते हैं पेटल्स, क्या बोलते हैं, पेटल्स। सेपल्स ये नीचे वाले को इसको बोल रहे हैं पेटल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन कौन से मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है चाइना रोज में, एक है स्टेमन और एक होता है पिस्टिल, स्टेमन एंड पिस्टिल, क्या होता है स्टेमन एंड, वन थिंग इज देयर, इसको बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं इसको, थैलेमस। ये जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं थैलेमस। और हम किसकी बात कर रहे थे, स्टेमन और पिस्टिल की, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो स्टेमन है ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो पिस्टिल होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर स्टूडेंट, स्टेमन में फूल में दो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम स्टेमन, इसको हम स्टेमिनेट भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं इसको, स्टेमिनेट, स्टेमिनेट भी इसका नाम होता है। और जो पिस्टिल होता है इसको हम क्या भी बोलते हैं, पिस्टिलेट, क्या भी बोलते हैं, पिस्टिलेट, स्टेमन एंड पिस्टिलेट, पिस्टिल को बोलते हैं। अब अगर जो हम बात करें, ये अब ये दोनों ही जो स्टेमन और पिस्टिल है यही हेल्प करते हैं नए प्लांट को बनाने में, नए फ्लावर्स की ग्रोथ करने में, ठीक है। कैसे कैसे ये प्रोडक्शन प्रोसेस होती है इसमें, अब इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स कहाँ बनते हैं, मेल गैमेट कहाँ बनते हैं, फीमेल गैमेट कहाँ बनते हैं, हम इधर बात करें सबसे पहले मेल गैमेट की, दैट इज स्टेमन। क्या है मेल गैमेट, स्टेमन। ये देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इधर स्टेमन का, इसके भी दो पार्ट होते हैं स्टेमन के। ये जो अपर वाला पार्ट होता है ये देखो, इसको बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं इसको, एंथर। ये हमें बाहर से ऐसे दिखने में ऐसे लगता है कि ये दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं बस, लेकिन अगर जो हम इसको अंदर से देखें अच्छे से, तो ये चार लोब स्ट्रक्चर होता है, फोर लोब होते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, और इन चारों में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमेट, क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट। और ये जो स्टोक है इसको बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। स्टेमन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है ये बाय फोर लोब, चार लोब बने हुए ना, 1, 2, 3, 4, ये चार लोब वाला स्ट्रक्चर होता है एंथर।
और इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन्स है क्या कंसिस्ट करते हैं, मेल गैमेट, क्या कंसिस्ट करते हैं, मेल गैमेट ये कंसिस्ट करते हैं। और अब अगर जो हम बात करें पिस्टिल की, वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा। अब इसका जो अपर वाला स्ट्रक्चर होता है, जो पिस्टिल का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टिग्मा। क्या होता है ये, स्टिग्मा। सेंटर वाले को हम बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट वाले को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल, थर्ड इज ओवरी। पिस्टिल दोबारा से तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो ओवरी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं, इनके अंदर होता है फीमेल गैमेट। क्या होता है, फीमेल गैमेट, मे बी ओवम, दीज आर द ओव्यूल। और जो इसके अंदर होता है फीमेल गैमेट होता है, ओवम और एग प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट। अब आता है गैमेट्स ट्रांसफर। ये तो हमने प्लांट्स में पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेट्स कहां से बने। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होते हैं, और जो ओवम होता है उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट, ओव्यूल के अंदर सॉरी फीमेल गैमेट होते हैं। अब जब ये पोलन ग्रेन्स हैं ट्रांसफर हो जाते हैं इस पार्ट से लेके फीमेल के स्टिग्मा पर, ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट। और ये जो स्टिग्मा होता है ये चिपचिपा होता है बहुत, ठीक है। ये जो स्टिग्मा होता है इसका नेचर ऐसा होता है चिपचिपा होता है, कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स गए और स्टिग्मा के ऊपर चले गए, और स्टिग्मा के ऊपर जाते ही वो क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब उनके जाने से क्या प्रोड्यूस होती है, एक पोलन ट्यूब। क्या निकलती है, पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब कहाँ तक जाती है, ओव्यूल के अंदर तक, इनसाइड द ओव्यूल। वो ओव्यूल के पास जाएगी, और किसको लेकर जा रही है, वो मेल गैमेट्स को। जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को लेकर ओव्यूल के पास जाती है, जहां फ्यूजन अकर करती है। अब जो बात आती है कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पोलिनेशन। कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाने को हम बोलते हैं दैट इज पोलिनेशन। अब ये जो पोलिनेशन होता है ये भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। वन इज सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। अगर जो हम बात करें सेल्फ पोलिनेशन की, सेल्फ पोलिनेशन किस में होता है, जब एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। क्लियर। जब एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, स्टेमन भी हो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, पिस्टिल भी हो, तो एक ही फूल से क्या हुआ है, पोलन ग्रेन्स उसी के स्टेमन पे गए हैं। एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टेमन पे गए हैं, स्टिग्मा पर गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन ऑन सेम फ्लावर। और जब एक फूल के पोलन एंथर से दूसरे फूल पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो इसी के स्टिग्मा पर और इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर जो इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। अगर जो एक ही फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। सपोज एक इंडिविजुअल है, वो अपने ही फैमिली से इंक्लूड है, अब वो क्या है, एक है, वो दूसरे फेस से भी इंक्लूड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, वो हो गया क्रॉस पोलिनेशन। और इसमें क्या होता है, सेल्फ, सेम फ्लावर से ही वो ले रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अभी हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट्स के अंदर कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, और इसमें भी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन। अब ये फ्लावर के अंदर हो रही है ना, तो ये कौन सी फर्टिलाइजेशन है, इनसाइड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम सेकेंड इवेंट को अब अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे।
यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फ्लावर्स जो है मेन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मोनोशियस भी बोलते हैं, और जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम यूनिसेक्सुअल और डाइशियस भी बोलते हैं और हेट्रोगैमेट्स भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब आता है सेकेंड इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है क्या, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। रिजल्ट क्या हुआ, फ्यूजन हुई, हमें क्या पता चला, रिजल्ट क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की फ्यूजन हो जाती है, और दोनों फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या होता है रिजल्ट दोनों की फ्यूजन का, जाइगोट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इट अगेन डिवाइडेड, ये दोबारा दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अदर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल आपको नाम से ही पता चल रहा है, आउटसाइड द बॉडी, वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और इंटरनल जो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी जो बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर जब हम एक्सटर्नल की बात करें तो ये किसके केस में होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये अकर करती है, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, फ्रॉग एक्सेट्रा। क्लियर? इंटरनल क्या होती है, जो बॉडी के अंदर होती है, जिसमें मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के इनसाइड द बॉडी फ्यूज करता है उसको बोलते हैं इंटरनल। ह्यूमन बींग्स में होती है, बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स में अगर जो हम बात करें। सेकंड थिंग इज अगर जो हम बात करें ह्यूमन बींग्स की और मैमल्स, हायर प्लांट्स, तो ये जो होती है आउटसाइड द बॉडी मोस्टली ये ज्यादातर एक्वेटिक में होती है जो पानी में रहती है ऑर्गेनिज्म, और इंटरनल